मेरा नाम मोहम्मद खुर्रम है, मेरे पापा का नाम नफीस अहमद, मैं शाहीनबाग तैयब लैंड पर रहता हूँ। और जो ये शाहीनबाग में जो फायरिंग हुई है मुंतहिर के घर के बाहर, उसमें मैं, खुर्रम और मेरा दोस्त सोनू, हम दोनों ही वो इन्वॉल्व हैं इसमें, और किसी का कोई इन्वॉल्व नहीं है, ना ही हमने किसी कहने पर करा, हमने सिर्फ अपनी गर्ज के लिए किया है, किसी और के लिए हमने नहीं किया है। और हमारी गर्ज ये है कि अब से 3 साल पहले मुझे एक छोटा सा झगड़ा हुआ था, उस झगड़े में मैं वाजिद काउंसलर के पास गया था और मैंने उनको सारी बात बताई, तो उन्होंने मेरी बात समझी और मुझे कहा कि चलो मैं थाने में चल रहा हूँ और तुम्हें उंगली भी टच नहीं होगी और ना ही तुम्हें कोई कुछ कहेगा। ये चीज़ मुझे उन पर भरोसा हो गया था, तो उनके साथ मैं थाने गया शाहीनबाग थाने जाने के बाद मुझे उन्होंने पुलिस वाले से बात करी और मुझे कमरे में बिठा दिया गया। कमरे में बिठाने के बाद बाहर SI महावीर, SI निशू खान और कॉन्स्टेबल प्रताप सिंह, ये तीनों के तीनों मेरे रूम जहाँ मैं बैठा हुआ था उस रूम के बाहर थे। उनमें क्या बात चल रही थी, क्या नहीं चल रही थी, मुझ तक आवाज़ नहीं आ रही थी और मैं चुपचाप अंदर बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद SI महावीर और कॉन्स्टेबल प्रताप सिंह, ये दोनों मेरे उस रूम में आते हैं और मुझे गालियां बक्के मारना पीटना स्टार्ट कर देते हैं। ये मुझे बहुत देर तक मारते हैं, मेरी चीखें निकल आ रही थी और मैं तड़प रहा था और मैं रो रहा था और मैंने से कहा था मुझे माफ़ कर दो, मैंने इतना बड़ा गुनाह नहीं किया है, लेकिन मुझे कंटिन्यू मारे जा रहे थे, जिसमें कि मेरी चीखें निकल रही थी। तो मेरी अम्मी बाहर बैठी हुई थी, मेरे भाई बाहर बैठे हुए थे, सब सुन रहे थे और सब इस चीज़ गुहार लगा रहे थे हमारे बच्चे को छोड़ दिया जाए, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। ये इतना बड़ा मामला मेरे साथ किया गया, मैं सिर्फ यही जानना चाह रहा था SI महावीर से कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया, लेकिन उन्होंने मुझे कोई जवाब ना दिया और मुझसे ये कहा गया ये जो भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ जो शाहीनबाग के काउंसलर हैं वाजिद खान उनके कहने पे हो रहा है, मुझे इस बारे में नहीं मालूम कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया। फिर मैंने उनसे पूछा कि उनसे मैंने ऐसी कौन सी दुश्मनी है जो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, वो तो मेरे भाई हैं, मैं तो उनके पास गया था अपनी मदद मांगने के लिए, तो मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगे। तो SI महावीर ने मुझसे कहा कि इस चीज़ का हमें नहीं पता ऐसा क्यों कर रहा है वो, यहाँ तक कि जो तेरे पर कट्टा लगाया जा रहा है वो भी वाजिद खान ने लगा दिया है। उन्होंने मेरे को मेरी एक भी बात नहीं सुनी और मुझे बंद कर दिया गया। इस मामले में मैं किसी के कहने पे या किसी के फोर्स करने पे ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे भाइयों को, मेरे साले को 3 दिन से उठा रखा है और उन्हें बहुत बुरी तरीके से मार रहे हैं। मैं चाहता हूँ जब ये काम मैंने किया है और ये काम मैंने 3 साल से इस मामले में लगा हुआ था, 3 साल बाद जब मुझे इस चीज़ का थोड़ा सा क्लू मिला कि हाँ मुंतहिर और वाजिद खान के बीच में कोई मामला चल रहा है, तो मैंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और ये क्राइम मैंने किया, क्योंकि मैंने इतना मेरा दिल दुखा हुआ था कि जिस टाइम पे मुझे वाजिद खान ने बंद कराया था, जो कि मुझे SI महावीर ने बताया कि वाजिद खान के वजह से आप बंद हो रहे हो, 7 दिन का बेटा मेरी गोद में था और मैं रो रहा था बहुत ज़्यादा, मेरे अंदर अपनी बेटी, सिर्फ मुझे मेरे बेटे की याद थी कि उसकी देखभाल कौन करेगा। मेरा बेटा 7 दिन का, जिस टाइम पे मेरे बेटे को सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत थी, उस टाइम पे मैं थाने में था। थाने में 3 महीने में मैंने सिर्फ एक ही दिमाग लगाया कि जिस तरह मैं तड़प रहा हूँ, जिस तरह मैं रो रहा हूँ अपने बच्चे की याद में, उसी तरीके से वाजिद भी अपने बच्चों के लिए तड़पेगा, अपने घर वालों के लिए तड़पेगा, सिर्फ इसलिए मैंने ये काम करा है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि मेरी सपोर्ट की जाए और जो मेरे घर वाले थाने में बंद हैं, जिन्होंने मुझे मेरे भाइयों को थाने वाले पीट रहे हैं, उन्हें छोड़ दिया जाए और मेरे साले को छोड़ दिया जाए और मेरी ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए, हेल्प की जाए, कि मुझे सपोर्ट की जाए। धन्यवाद।